बीजापुर के खड्डे मस्जिद जमात की ओर से सफ़र आखिरत की शुरुआत। मुसलमानों को मैयत ले जाने के लिए मुफ्त में सर्विस दी जाएंगी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ प्रेसिडेंट उस्मान पटेल, खड्डे मस्जिद वाइस प्रेसिडेंट AS सांगलीकर, शकील बागमारे, मोहसिन जमखंडी, शाहबाज बख्शी और भी लोग रहे मौजूद। देखो खड्डे मस्जिद जमा टेचर है, ये कार्ड प्रोजेक्ट चलते हैं और अपना जाने के लिए कुछ कर रहा है। ये निकाल देता आराम से जनाजा बैठता निकाल आराम दर्शन करता है। दिवस जरा जोर से दिवस बीजापुर नगर दी खड्डे मस्जिद अवंत जमात शव संस्कार सलवाजे शव कब्रस्तान के बैलू उचित ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜಮಾತ್ನಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಜಮಾತ್ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಬ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಸುಮಾರು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಕಟ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 12 ಜನರು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಜಮಾತಿನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕ ನಾಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. एम्बुलेंस लिए हैं, ये फ्री सर्विस और उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब मीडिया को दे रहे हैं. उसके मुताबिक जो भी पूरे बीजापुर सिटी में जो भी अपना फोन करके मिलेंगे तो जनाज गाड़ी भेज दी, फ्री सर्विस है. ये सिर्फ मैयत के लिए है क्या? सिर्फ मैयत के लिए गाड़ी, एम्बुलेंस के लिए सिर्फ मैयत. पहले तो मैं खड्डे मस्जिद जमात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने बीजापुर की मुस्लिम बिरादरी के बारे में सोचकर एक नेकी का जज्बे के तौर पर वो सामने आए और लाखों की कीमत की आज आपके सामने देख सकते हैं. यहां पर एक गाड़ी मौजूद है जो सफ़र आखिरत के नाम पर शुरू की गई है. ये गाड़ी बीजापुर के तमाम मुसलमानों के लिए जिनकी मैयत हो जाने पर जो कब्रस्तान घर से कब्रस्तान की दूरी जो काफ़ी होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस गाड़ी को शुरू किया है. मुझे आज मेरे लिए खास करके ये बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैंने 2013 में बीजापुर शहर में सफ़र आखिरत की शुरुआत की थी. आज 8 साल के बाद खड्डे मस्जिद जमात और हमारे सांगलीकर चाचा ने ये सोच करके मुसलमानों को यहाँ के लिए और एक गाड़ी ज़रूरत है, बहुत अहम है, ये जज्बे के साथ इन्होंने आगे आकर इस गाड़ी को तमाम बीजापुर वालों के लिए मुफ्त सर्विस, मैं फिर से कहूँगा ये पूरी तरह फ्री सर्विस दे रही देगी जैसे हमारी सफ़र आखिरत थी. आज ये उसी
उसी रास्ते पर निकलते हुए इन्होंने बीजापुर के तमाम मुसलमानों के लिए ये फ्री सर्विस देने का ऐलान किया है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आप इस गाड़ी का भरपूर फ़ायदा उठाइए और ख़ास करके खड्डे मस्जिद जमात और उनकी पूरी टीम के लिए ख़ास करके दुआ करें कि उनकी दुनिया और आखिरत भी कामयाब हो। बस यही कहता हूँ कि ये गाड़ी जो सफ़र आखिरत के नाम से शुरू की गई है, ये पूरी आखिरत तक ये सर्विस देते रहे। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि यहाँ पे किस लिए जमा हुए हैं, तो आज बहुत मुबारक दिन है जुम्मा का, और इसी दिन पर यहाँ पे आखिरी सफ़र के लिए खड्डे मस्जिद जमात की तरफ से जो एम्बुलेंस आप नज़र आ रही है, इसका फ्री सर्विस शुरू होगा। तो जैसा कि पिछले जो दो महीनों में जो कोरोना की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई थी, इसके मद्देनज़र रखते हुए खड्डे मस्जिद जमात ने फैसला किया था कि नई शोरूम से ही गाड़ी लेके हम लोगों की खिदमत के लिए देंगे, इसलिए इसकी आज इफ्तिताह हुआ है। तो तमाम खड्डे मस्जिद के जमात वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ये इतना कहता हूँ कि ये ऐसे दो चार अगर बीजापुर शहर में अगर गाड़ियां एम्बुलेंस होंगी तो किसी को भी परेशानी नहीं आएगी। तो जो खड्डे मस्जिद जमात ने ये जो फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला है। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो इसे GPRS के तौर पर रजिस्ट्रेशन भी किया गया है, जो गाड़ी जहां पे जाएगी किस वक्त बिना कोई भी दूसरी वजह ने सिर्फ मैयतों के लिए ये गाड़ी क्या है काम में आएगी। इसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे उन्ना सांगली का सर हैं, जो आप बताएँ। मैं वक्फ बोर्ड की जानिब से बहुत खुशी का इजहार करता हूँ कि आज जो हमारे वक्फ बोर्ड के एक कमेटी है खड्डे मस्जिद जमात, उसकी जानिब से सारे मुसलमानों के लिए, सारे पब्लिक के लिए एक सफ़री आखिरत का एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है। मैं खड्डे मस्जिद जमात को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कि वक्फ के इदारों का जो भी इनकम है उसको किस तरह मुसलमानों के और पब्लिक के काम आने के लिए लगाया जा सकता है। और इसी मामले में जैसा कि हमारा पहले से सर्कुलर है वक्फ बोर्ड का कि जो भी इदारों की इनकम रहेंगी गरीबों और मिस्किनों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसी इसको एक एग्जांपल सेट करते हुए खड्डे मस्जिद जमात ने ये फैसला लेके एम्बुलेंस लिया है, क्योंकि कोरोना के वक्त बहुत सारी तकलीफ़ें हुई थी। तो खड्डे मस्जिद जमात को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ और बीजापुर के सारे शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि इस फ्री सफ़र आखिरत कम एम्बुलेंस सर्विस की इसका फ़ायदा उठाए। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जा रहा है 9902199024244, ये एक कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, और एक कॉन्टैक्ट नंबर 9902199266, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9902199266, ये एक नंबर रहेगा, और 9902199244 ये, और एक नंबर 9448121867, ये तीन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। इसकी सर्विस 24/7 आपको मुहैया की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए एक रुपया भी कोई भी शहरी नहीं देना चाहिए। आपका नाम? कहाँ करेंगे? खड्डे मस्जिद जमात में ही रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरा नाम मोहसिन जमकंडी, मैं ऑडिटर कम वक्फ इंस्पेक्टर बीजापुर।